हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे हम रीडिंग करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ आपके पर्सन चाहते हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, उनके मन में आपके लिए क्या कुछ है, उनके लेट नाइट थॉट भी देखेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे वीवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है और वो इनके पर्सन इनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, वो इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, सो लेट्स सी। नंबर 6 की एनर्जी आई है, नंबर 9 की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपको 69 नंबर ही नज़र आया हो सबसे पहले जब ये रीडिंग आपने देखना स्टार्ट किया हो, ठीक है, या फिर आपको ये नंबर हो सकता है नज़र आ रहा हो। वी हैव क्राउन चक्र, नंबर 5, अगेन नंबर 5 की एनर्जी है। तो यहाँ पे 55 नंबर कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है जो आप लोगों को नज़र भी आ रहा हो। नंबर 2 की एनर्जी आई है सैक्रल चक्र की, ठीक है, अगेन नंबर 5 की एनर्जी है। तो आपके लिए 555 एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है। वी हैव अगेन नंबर 2 एंड नंबर 6 की एनर्जी है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स आए हैं आप लोगों के लिए, नंबर इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं, मीटिंग के नंबर हो सकते हैं, सेपरेशन के नंबर हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगेन वी हैव नंबर 2, तो 222 555 69 ये नंबर यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आते हैं, ठीक है। 66 की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो सबसे पहले राशियों की बात अगर हम करें तो आप लोगों के लिए मुझे इम्पॉर्टेंट राशि एक तो तुला यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि की एनर्जी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी नज़र आ रही है, कन्या राशि भी यहाँ पर नज़र आती है। तो ये कुछ राशियाँ हैं यहाँ पर। व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है क्या वो सच में आपके बारे में सोचते हैं? नो कांटेक्ट किया हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं, आपको कैसे यकीन हो कि वो व्यक्ति आपके बारे में सोचता भी है? आप सोचते हो, आप ओवरथिंक करते हो, आप उसके लिए दिन रात प्रेयर करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, आप उसको अपनी लाइफ में चाहते हो। क्या वो व्यक्ति भी चाहता है आपको अपनी लाइफ में? क्या वो व्यक्ति को कभी भी आपकी याद आती है? अब सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये कि आपका जो पर्सन है आप उसके दिल में भी हो और आप उसके दिमाग में भी हो, आप उसकी लाइफ का एक हिस्सा हो जिसको वो खुद इग्नोर या डिनाई नहीं कर सकते। वो सबसे कह सकते हैं कि आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं, ये उनके लिए सबसे बड़ा खुद के लिए बोला हुआ झूठ है, जिसको वो कई बार बोल चुके होंगे, आपके मुंह पे भी बोल चुके होंगे कि शायद अब आपका और उनका रिश्ता नहीं चल पाएगा या फिर आपका रिश्ता यहीं पे ख़त्म। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी वो व्यक्ति आपसे रिश्ता अपना नहीं तोड़ पाया है, उसकी नज़रों में आप ऐसे बसे हो जैसे कहते हैं ना, कभी चांद को चकोर देखता है, सूरजमुखी को सूरजमुखी सूर्य को देखता है, ऐसे करके घूमता है। देखा है आपने सूरजमुखी को, जिस तरफ सूरज होगा वो उसी तरफ घूमता है। आपके पर्सन भी ऐसे ही आपके लिए हैं, डिस्टेंस काफ़ी है लेकिन चाहते इतनी है कि जहाँ पे तुम हो वहीं पे वो हैं, इतना यहाँ पे एक ऑरा नज़र आता है। यहाँ पे है क्या? सबसे पहले व्यूअर्स, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस व्यक्ति ने आपको इंतज़ार तो भर भर के करवाया है, भर भर के बहुत इंतज़ार करवाया है, कोई डिसीजन मेकिंग में, कोई क्लैरिटी देने में, आगे बढ़ने में, जो भी है, बट ऐसा नज़र आता है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत उलझन में है, एक ऐसी उलझन है जो सुलझ नहीं पा रही है। अकेले हैं लेकिन दर्द में हैं, आपसे नो कॉन्टेक्ट किया है लेकिन फिर भी रो रहे हैं, फिर भी वो आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं, फिर भी वो उन यादों को अपने साथ में समेट के जीते हैं जो यादें आपके साथ में आपके पर्सन की हैं, उनको उन्होंने अपनी लाइफ से निकाला नहीं है, सहेज के रखा है भाई, सहेज के
कहाँ पे? माइंड में, माइंड में सहेज के रखा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति हो व्यूअर्स, आज मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि इसको भी इंतज़ार है तुम्हारा, तो शायद आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कहेंगे झूठ है, नहीं यकीन करोगे, लेकिन है। इंतज़ार तो ये भी आपका कर रहा है, जितना आपको इसने इंतज़ार करवाया है ना, उतना आज आपके लिए ये व्यक्ति इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। कुछ इश्यूज़ तो ज़रूर थे आप लोगों के बीच में जो क्रिएट हुए, अब वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आप लोगों के बीच में कुछ छोटे मोटे इशू थे, ज़रूर थे, उनको बढ़ा दिया गया और किसी ने इनको ये तक बोला कि वो आपसे दूर हो जाएं, वो आपसे सेपरेशन ले लें, आपका उनसे रिश्ता ना बने, किसी ने इनको ये भी बोला। इनका माइंड डाइवर्ट करने की यहाँ पे किसी ने कोशिश की है। कुछ में से आपके पर्सन ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं आपसे किसी बात पे गुस्सा होके दूर हो गए थे, किसी बात पे गुस्सा होके चले गए थे, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे, बहुत ज़्यादा, और वो उस गुस्से की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ ही नहीं पाए, वो वहीं पे रहे, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे मेंटल कन्फ्लिक्ट है आपको लेके, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के दिल में दिमाग में आप हो, और ये व्यक्ति चाहता भी अगर देखूँ तो यही है कि उसका जो भी डिसीजन हो, ठीक है, वो इस रिश्ते को इम्पेक्ट ना करे। वो इसी वजह से कहीं ना कहीं विवश परेशान है कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। चाहता तो आपका पर्सन यही है, आप भी यही चाहते हो एक दूसरे के साथ में ऐसे ही रिलेशनशिप में इसी तरह से आ जाओ, लेकिन इनको किसी ने आपके खिलाफ ज़रूर भड़काया है, जहाँ पे इस व्यक्ति ने आपसे फिर बिल्कुल सेपरेशन बिल्कुल एंड कर दिया था। ठीक है, लेकिन अभी उसके मन में, मैंने बोला ना, अभी तो हैं भावनाएं, अभी तो हैं, वो कहीं ना कहीं यही आपके लिए महसूस कर रहा है कि काश आप उनके होते और वो आपके होते। सैक्रल चक्रा यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। सैक्रल चक्रा, थ्री ऑफ सोर्ड, आपको यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड मिला है, आपको इस दर्द से गुजरना पड़ा है, आपको ये जो दर्द है ये बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई है आपने इस दर्द की। क्योंकि कहते हैं ना सबसे पहले कि दर्द अगर कोई गैर दे तो चलो इंसान भूल जाता है, उसे ओवरकम कर लेता है, लेकिन जब कोई अपना दे तो बड़ी तकलीफ होती है, उसको कभी भूला नहीं जा सकता। तो उस दर्द को आपने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं झेला है, और इस व्यक्ति ने भी झेला, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इनको जिसने भड़काया आपके खिलाफ वो भी इनका कोई अपना ही है, जिसने आपको सेपरेशन में डाला वो भी इनका कोई अपना ही है। और अभी ये व्यक्ति जो आपका हार्ट ब्रेक कर चुका है, वो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है दे वॉन्ट टू रीच आउट टूवर्ड्स यू, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आप तक रीच आउट करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं। वो दर्द में हैं क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर एनर्जीज में आया है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपके पर्सन की राशि यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ व्यूअर्स की इनकी लाइफ में, जैसे मैंने बोला ना दर्द में आपके पर्सन भी हैं, तो इनको कुछ बातें ऐसी हैं जो किसी ने बोली हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। अब वो हो सकता है आपने कभी इनको बोल दी हो, कि गुस्से वाली एनर्जी हमने अभी देखी थी, एक ईगो वाली एनर्जी हमने यहाँ पे देखी थी, और कोई इनके घर में है जिसने इनको भी कुछ ऐसा बोला, इनके आस पास है, लेकिन आपका पर्सन यहाँ पे कह रहा है दे ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक। ठीक है, एक हार्ट पेन से ये व्यक्ति गुजर रहा है, और ये हार्ट पेन देखो आपसे जुड़ा हुआ भी है, अनदर लोगों से जुड़ा हुआ भी है, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। कुछ इच्छाएं हैं इस व्यक्ति की जो कहीं ना कहीं यहाँ पे टूट रही हैं, बिखर रही हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। इनको समझ में नहीं आ रहा, अगेन टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना ये एनर्जी कितनी प्योर है, अगर आप देखेंगे कि इनको एक ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है जहाँ पर इनको अपना प्यार साबित करना है आपके लिए, इनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है इस वक्त, खुद को साबित करने के लिए कि ये सही है, इनसे गलती नहीं हुई है, इनकी इसमें कोई खता नहीं है, या फिर इनसे अगर कोई खता हुई भी है तो ये अपना को जैसे कि प्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप तक अपना जो मैसेज है वो कैसे पहुँचाएँ, या फिर आपको ये कैसे विश्वास दिलाएँ
कि ये जो व्यक्ति है ये कितना तिल तिल करके जैसे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हर वक्त एक एक आग में ये व्यक्ति झुलस रहा है अपनी ही लाइफ में, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे बाहर निकले। ठीक है, तो ये है, अगर इन्होंने कहीं ना कहीं ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो इनके अंदर हैं ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वो एनर्जीज़ भी है। तो ये आपके पर्सन व्यूवर्स आप तक ये सारे मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया तो क्यों किया, किस वजह से किया, और हर्ट करने के बाद में ये राइट नाउ उनके उसको कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने इमोशन को एक्सप्रेस ये व्यक्ति नहीं कर पा रहा। यहाँ पे टावर आया है जो कि दिखाता है इस व्यक्ति को, इस वक्त ये व्यक्ति आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना टावर आ गया, बहुत मेजर डिजास्टर हो गया, अब ये जाए तो जाए कहाँ, करे तो करें क्या, ऐसी सिचुएशन इस व्यक्ति के सामने खड़ी कर दी गई कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन है, इधर जा रहे हैं तो परेशानी, उधर जा रहे हैं तो परेशानी, मतलब परेशानियों में व्यक्ति कहीं ना कहीं घिरा हुआ है, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी एट ऑफ कॉइंस की आती है, जो दिखाती है कि व्यक्ति की लाइफ में इस समय वो एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर कुछ भी उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, जैसे सब कुछ बना बनाया, सब कुछ बिखर रहा है, और ये कनेक्शन में बिखरा है, ये भी बना हुआ था वो भी बिखरा है। अब ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि जो बिखर गया है, जो उजड़ गया है, जो रिश्ता टूट गया है, उसको ये संभाल पाएंगे क्या, क्या, क्योंकि देखो जब टावर आता तो सब कुछ तोड़ के जाता है सब कुछ, और यहाँ पे फिर दोबारा उन चीज़ों को बिल्डअप करना, बनाना, विश्वास करना, खुद पे बिलीव करना, दूसरे पे बिलीव करवाना, या फिर दूसरे का बिलीव अपने ऊपर लेके आना, फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वही आपके पर्सन की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन से कैसे डील करें, ये टावर को कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें, कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा कि मतलब ऐसा नज़र आ रहा है आपको कुछ बताना चाहते हैं, यानी कुछ ऐसी बात जिसने आपका कनेक्शन तोड़ दिया, ये उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको ये क्लेरिफाई करना नहीं कर पाए उस वक्त, लेकिन आप करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह से आपको ये बताएं कि इन्होंने अगर आपका दिल तोड़ा तो क्यों तोड़ा, क्या रीज़न थे, क्या कोई सॉलिड रीज़न था या नहीं था, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज भी हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पास्ट एनर्जीज को ये बात बता रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो पास्ट मेमोरीज में है, जहाँ पर आपके पर्सन और आप काफ़ी खुश रहा करते थे एक दूसरे के साथ में। ठीक है, एक दूसरे के साथ में काफ़ी इन्जॉय किया करते थे, दूसरे को काफ़ी लव किया करते थे, काफ़ी केयर किया करते थे, काफ़ी एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। आपकी छोटी छोटी बातें उनको बहुत याद आ रही है इस वक्त, आपका उनके साथ में अटकेलियाँ करना, मजाक करना, ठीक है, उनके साथ में शरारतें करना, उनको बहुत याद आ रहा है। वो आपकी कंपनी को इस वक्त काफ़ी उसकी कमी को महसूस कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि व्यक्ति अकेला है, लेकिन अकेले में भी वो सिर्फ आपके बारे में ही यहाँ पे सोच रहा है या सोच रही है, जैसा भी आप कहो। ठीक है, अगेन सॉलिट्यूड पे सॉलिट्यूड का ही कार्ड आया, हर्मिट का, तो इस व्यक्ति की लाइफ में इस समय कहीं ना कहीं एक अकेलापन है, एक अंधकार है, एक ऐसी ज़िंदगी ये व्यक्ति जी रहा है जो कहीं ना कहीं गुमनामी में चली गई है। जैसे आपका पर्सन कह रहा है कि अगर वो आपसे दूर भी हुआ था या हुई थी तो ज़िंदगी कोई बहुत बेहतर नहीं है, ज़िंदगी उसकी इस समय एकदम से बिल्कुल जैसे कहते ना नीरस हो चुकी है, जिसमें कोई रस नहीं है, जिसमें कोई तड़का नहीं है या कोई खुशी नहीं है, आप ऐसा समझ लो, कोई भी हैप्पीनेस वाली एनर्जी नहीं है। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ऐसे ही लाइफ को बस जिए जा रहा है, एक गुमनामी में जिए जा रहा है। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो सबसे हट गया है, सबसे डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन सबसे डिस्कनेक्ट होके भी वो सिर्फ आपके साथ में इस वक्त, हो सकता है ये अकेले बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, और फिर भी आपको याद कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, आपके पुराने फ़ोटोज़ ये व्यक्ति देख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है, उनसे बातें कर रहे हैं कि कहाँ हो तुम, कैसे हो तुम, इस तरह से बता रहे हैं अपने अनुभवों को आपके साथ में कि क्या क्या हो रहा है जब से सेपरेशन हुआ है, जब से इस कनेक्शन में ये टावर आया है, इनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये टावर को हैंडल नहीं कर पा रहे। हाँ, ये आग में तपता हुआ व्यक्ति है जो यहाँ पे नज़र आता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है। द वेटिंग को यहाँ पे क्लेरिफाई करें यूनिवर्स।
ओके सो क्वीन ऑफ विंड, आपके पर्सन ने व्यूवर्स देखो कहीं ना कहीं बहुत इंतज़ार कराया एक्शन लेने में, बहुत ज़्यादा, कोई भी एक्शन हो एक्स वाई जेड कोई भी हो, लेकिन इन्होंने इंतज़ार आपको बहुत करवाया। आप इनसे उम्मीद कर रहे थे कि व्यक्ति कोई एक्शन लेगा लेकिन पॉजिटिव लेगा, पॉजिटिव लेने की जगह इन्होंने कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्शन, नेगेटिव स्टेप उठाया ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन वो ईगो में उठाया और जो वेटिंग करवाई वो भी आपको ईगो में करवाई है, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा रिग्रेट में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि इतना क्यों इन्होंने मतलब ईगो को अपनी पाला, इन्होंने अपनी ईगो को खुद पाला, ठीक है, ऐसा नज़र आता है। कहते ना ईगो को आपको जितनी हवा दोगी वो उतनी भड़केगी, आपके पर्सन ने वही बेवकूफ़ी यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने करी है कि अपनी उन्होंने ईगो को खुद फीड किया, उसको हवा दी और उसकी आग है वो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं जला बैठी, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे है, इमोशनल लॉस यहाँ पे क्यों है। अब ये व्यूअर्स आपके रिश्ते को आपको खो के कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली लॉस में ही फील कर रहे हैं, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि ये तो एक ऐसी एनर्जी को आपके पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर इनकी लाइफ में ये खुद से कुछ नहीं कर सकते, खुद से इनकी लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इनकी लाइफ में जो उनको जीना सिखा दे। जैसे कहने के जीने की वजह, जब ये जी रहे थे तो जीने की वजह भी आप थे, ऐसा यहाँ पर है। तो आपके पर्सन रिवर्स इस इमोशनल लॉस में भी हैं और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि काश उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन लिया होता या फिर आपके लिए कुछ किया होता या फिर सही एक्शन लिया होता, गलत स्टेप ना उठाया होता तो शायद वो आज आपको खो के ना बैठे होते। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की मुझे कुछ लोगों के लिए पर्सन की जो एनर्जी मिल रही है वो एक प्लेयर पर्सन की भी मिल रही है जो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी कर बैठे जस्ट अपनी भावनाओं में बह के, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी उससे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक मैच्योर एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज ये बता रही है कि व्यक्ति अब जो पहले किया करता था, जैसे पहले एक्टिविटीज़ किया करती थी, अब उनको वही एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं सिली लग रही हैं, ठीक है, सिलीनेस आ गई है, उनको लग रहा है कि यार कितनी सिली हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसा इनको फील भी हो रहा है अपनी 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 बातों को लेके। थर्ड आई चक्र यहाँ पे क्यों आया है, यूनिवर्स जस्टिस क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जस्टिस का आया है। अब देखो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने जो बोला था कि कोई है जिसने आपके पर्सन के बहुत सारे डिसीजनों में इंटरफेयर किया है, इनके डिसीजनों को बदलने की कोशिश की है, ठीक है, तो इसका जो माइंड सेट कहीं ना कहीं व्यूअर्स आज भी मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, या तो करंटली आपके कनेक्शन को यहाँ पे, क्योंकि बॉटम द डेक का कार्ड भी हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड का आता है और जस्टिस के साथ में भी आया है और फाइव ऑफ कॉइन की भी एनर्जी, जहाँ पर आपका पर्सन आपके ना होने से बहुत पेन में भी है, सफरिंग में भी, अकेला भी है और वो कहीं ना कहीं ये भी चाहती है या चाहता है कि आपके साथ में आगे बढ़ा जाए, लेकिन समवन इज़ देयर जो कि आपके कनेक्शन में ये जो एनर्जी इसको इंट्रैक्ट कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है या कर रही है। और इसी वजह से व्यूअर्स आपके जो पर्सन है ना वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, आपके साथ में रिलेशनशिप लेके चलना है, ये जो भी है वो चीज़ें यहाँ पे इस व्यक्ति के दिमाग को हिट कर रही है, ट्रिगर कर रही है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति चाहते तो हैं आपके साथ में रियूनियन करना या फिर आपके साथ में आगे बढ़ना, ठीक है, लेकिन उनका जो इंटरफेरेंस है लोगों का, ठीक है, इनके दोस्त भी हो सकते हैं, इनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, और कुछ इनकी ईगो भी है, खुद इनकी खुद की सेल्फ ईगो भी है, वो कहीं ना कहीं इनके एक्शंस को यहाँ पे ट्रिगर करती हुई नज़र आती है, उसको मैनिपुलेट करती हुई नज़र आती है, और ये व्यक्ति जितना इन चीज़ों में उलझे हुए उतना ही कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार भी करना पड़ रहा है। तो ये कुछ है यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही हैं और इनके कुछ मैं आपके लिए मैसेजेस लेने वाली हूँ और लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे एंजल की तरफ से कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ वो इन तक पहुँचा दें। आपके पर्सन आपकी केयर करते हैं, उनको आपसे मतलब जो भी अटैचमेंट है जो भी आप कहो, लेकिन वो उसके लिए मतलब केयर करते हैं, तो आप कहोगे केयर करते तो दिखाएं ना, शो करो ना, तो आपके पर्सन कह रहे हैं यार वो ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर पा रहे, वो आपको नहीं दिखा पा रहे, वो चीज़ मतलब कहते हैं ना उसको अपना, जैसे कहते हैं कुछ लोग किसी चीज़ को पाने का अगर जुनून होता है तो उसके लिए ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, आपके पर्सन आपके लिए वो ज़मीन आसमान एक नहीं कर पा रहे, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि इनको ऐसे नहीं है कि आपकी परवाह नहीं है, लेकिन वो आपके लिए वो नहीं कर पा रहे, उस लेवल तक नहीं जा पा रहे जिस लेवल तक उनको जाना चाहिए। आपके पर्सन
आपको लेके कहीं ना कहीं देखो केयर भी करते हैं और आपको लेके जेलसी भी फील करते हैं। अगर अगर आप उनके अलावा किसी और को चाहो या किसी और से नज़दीकियाँ बढ़ाओ तो वो व्यक्ति आपको छोड़ भी नहीं रहा और आपको जाने भी नहीं दे रहा, वो आपको अपना बना भी नहीं रहा, आपका हाथ थाम भी नहीं रहा। और किसी और के हाथ में अगर आप अपना हाथ दे दो तो ये व्यक्ति वो भी मंजूर नहीं कर सकता। तो आप समझो कि व्यक्ति को बड़ी ही बड़ी कन्फ्यूज़न है, या तो भाई रिलीज़ कर दे सामने वाला अगर तुमको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो, चाहिए भी लेकिन उसको ये नहीं है कि उसके लिए फिर फाइट कर लें दुनिया से, जमाने से, अपनों से फाइट कर लें। तो ये व्यक्ति वो भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो बहुत ही पागल सा हो गया है ये व्यक्ति अपने अपने भावनाओं को लेके, अपने डिसीजन को लेके, ऐसा कहा जा सकता है। भावनाओं ने इनके ऊपर काबू करा हुआ है, जो जो आपसे जुड़ी हुई है, और किसी और ने इनके ऊपर वैसे काबू किया हुआ है जो इनके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर रहा है। द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू, अगर ये आपको भूलने की भी कोशिश करते हैं तो उतना ही याद आते हो, ठीक है। तो तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा तू उतना याद आए। तो आप समझ सकते हो आपके बिना आपके पर्सन हमेशा अधूरे हैं और अधूरे ही रहेंगे, वो आपके बिना कभी पूरे नहीं हो सकते। आपके लिए, आपके पर्सन के लिए बल्कि बोलूँगी कि उनके लिए आपका जो प्यार है वो बहुत मैटर करता है, आपका होना उनके लिए बहुत मैटर करता है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके बीच में जो भी था चाहे वो अच्छा था या बुरा था, पर वो सच था। अगर उन्होंने आपको प्यार भी दिखाया तो उसमें कोई छलावा नहीं था। प्यार अगर उन्होंने बोला आपसे आई लव यू तो इट मीन्स कि उन्होंने आपसे प्यार किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको झूठ बोल रहे थे कि या ऊपर से बोल रहे थे आई लव यू समथिंग लाइक, नहीं, उन्होंने बोला तो इट मीन्स उनके मन में आपके लिए फीलिंग थी। आपके पर्सन के मन में आपका जो प्लेस है उनके दिल में वो बहुत ही स्पेशल है, यानी कि एक स्पेशल प्लेस पे आप हो जो कि शायद किसी और का कभी हो भी ना सके। आपके पर्सन ने सोचा था कि आप उनके बिना नहीं रह सकोगे, लेकिन आप ऐसा करके दिखा रहे हो, आई थिंक सो। तो ये भी चीज़ें, इसीलिए वो जेलसी भी आ रहे हैं अगर आप किसी और की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपके पर्सन ये सब कुछ सोच के जो आप के मन में उनको लेके है, वो कहीं ना कहीं आश्चर्य में भी पड़ जाते हैं कि यार ये सब कुछ हो क्या रहा है, या सब कुछ चल क्या रहा है। तो ये उनके लिए, उनकी तरफ से व्यूअर्स आप लोगों के लिए मैसेज है आज रात के, आपके लिए यहाँ पे एंजली गाइडेंस देख लेते हैं। देखो मोर क्लैरिटी के लिए अगर आपको और ज़्यादा डीपली चीज़ें चाहिए, क्लियर चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेके, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक करवा लें और उसको आप क्लैरिफाई कर लें, है ना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, आप इन्हें क्या बोलना चाहते हैं एज ए एडवाइस और गाइडेंस? सेल्फ वर्थ एंड द जॉय, समझ ही गए होंगे, कार्ड ने आपको बता ही दिया। सेल्फ वर्थ करो, खुद के बारे में सोचो, सबसे पहले ये सोचो कि क्या आप किसी को कितनी अलाउ कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों कार्ड एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी को अपनी लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंस दो जितना कि बाद में वो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। आपकी खुशी से बढ़ के कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता, समझ गए ना आप लोग? मतलब कहने का मतलब ये कि किसी को उतनी अपनी लाइफ में एंट्री देना कि किसी के होने से या ना होने से आपको फिर उतना फ़र्क ना पड़े कि आप जीना ही छोड़ दो, ठीक है। तो खुद के बारे में पहले सोचो, अगर सामने वाला आपके बारे में नहीं सोच रहा, आप अपने बारे में खुद सोचो। देखो दुनिया में कोई दूसरा किसी के बारे में नहीं सोचता, आपकी खुद की बॉडी है, आपका खुद का एक जीवन है, आप उसके बारे में सबसे पहले सोचो, फिर दूसरों के बारे में सोचो। आपकी, आपको क्या चीज़ें खुशी देती हैं आप उनके बारे में सोचो, और क्या चीज़ें आपके लिए दुखदायी हो सकती है तो उनको रीड ऑफ करो। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि भाई पहले खुद की लाइफ में खुद के लिए जीना सीख लो। अगर आप खुद खाली हो गए तो आप दूसरे को क्या दोगे, ठीक है, नहीं है। मतलब खुद इंसान भरा हुआ होगा, अगर वो खुद प्यार से भरा हुआ है तो वो दूसरे को प्यार दे सकेगा। अगर वो खुद खुशी से भरा हुआ तो दूसरे को वो खुशी देगा। अगर सपोज़ आपके पास सिर्फ गम है या टेंशन है तो आप वही तो बांटोगे दूसरे को, ठीक है। तो पहले खुद में तो भर लो, अपने आप को खुशी से भर लो, ठीक है। खुद की रिस्पेक्ट कर लो, खुद की फीलिंग की रिस्पेक्ट कर लो। आपकी आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, आप उसकी रिस्पेक्ट कर लो। तो उसको जब आप समझोगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा,
ठीक है, तो सेल्फ वर्थ में जाओ, सामने वाला नहीं कर रहा, आप खुद की वर्थ खुद समझो, खुद को पैम्पर करो, खुद को गिफ्ट दो, खुद को अच्छे अच्छे विशेज दो, अच्छे अच्छे कोड दो, खुद को कार्ड दो, ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड वगैरह जैसे होते हैं ना, खुद को दो, खुद को गिफ्ट दो। तो आपको आपको दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करना है कि दूसरा आपको कोई गिफ्ट देगा, खुद आपको मतलब विश करेगा, आपको खुशी देगा, आप खुद की खुशी के कारण खुद बन जाओ। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो लोग खुद की वैल्यू नहीं समझते, ठीक है। खुद की वैल्यू समझना और ईगो में आना डिफरेंट है, मैं दोनों को डिफरेंट बोलती हूँ। आप इन चीज़ों को समझना फिर करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आती हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको इससे क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए चाहे तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल आपको रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग यहाँ पे मिल जाएगी इस नंबर पे। व्हाट्सएप मैसेज सेंड करिएगा, क्योंकि थोड़ा बारिश की वजह से ना नेटवर्क नहीं मिल पाते हैं, थोड़ा इशू हो जाता है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको अपने व्हाट्सएप में ऐड कर लो और वहाँ से आप सेंड कर दो, ठीक है। आपके मैसेजेस सारे प्राइवेट रहते हैं, कोई शेयर नहीं किए जाते हैं, सो डोंट वरी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर।